सही लौंडे फिर हैकिंग में घुस के दूसरे लोगों के कांड बाहर निकालते हैं। हेलो गाइस, तो कैसी हो बहन और उनके भाई। तो आज मैं रोस्ट करने जा रही हूँ सोफिया की औकात रोस्ट पार्ट टू, और सोफिया की औकात रोस्ट पार्ट वन आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना और वीडियो देख के बताना कैसे लगा। तो चलिए कैरी भाई का नाम लेकर वीडियो शुरू करते हैं। अरे बाबा इंट्रो लगाओ। सरनेम तो दूर की बात है दीदी, तुम तो नेम से ही बुलाने के लायक नहीं हो, और वैसे भी तुम तो कोटे की नचनिया हो। दिल की ही सारी ही बताऊं तेरे ते। अरे दीदी दिल की बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी दिल के बाहर का सारा सामान दिख रहा है। दिल की ही सारी ही बताऊं तेरे ते, राज को न कोई भी छुपावे जावेंगे। राज छुपा के क्या करोगी बहन, जो छुपाना था वो तो छुपाया नहीं आज तक। भाग्य आला होगा जिसे तुम नहीं मिलोगी। अरे मैं मजाक कर रही थी यार। कुछ भी, और वैसे भी जो वाहियात और घटिया लड़के होंगे वो ही तुम्हारे वीडियोस देख सकते हैं, ऐसी गंदी वीडियोस वो ही लोग देख सकते हैं, और जो शरीफ घर के लड़के होंगे वो ऐसी बॉडी की नुमाइश करने वाले को अपनी बीवी बनाएगा। नहीं 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 दीदी, गलत फहमी में हो तुम। गजब बेइज्जती है। बड़ी वाली हो तुम तो यार, कसम से कैमरे के सामने खोलने और करने की क्या जरूरत है। अरे कपड़े यार, वैसे तुम लोग क्या सोच रहे थे बे? अच्छे देख रहा है बेशरम लड़की को सारा पार्ट पूजा दिखाती फिर रही है, और सारे लड़कों को हिला के दिखा के ये पागल बना रही है। यार बहन चो, सारे मिल के हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे। मैं तो तेरे खोल लो बेटा, पूरा खोल लो, क्या जरूरत थोड़ी सी भी पहनने की। और वैसे भी इस बेशर्म को इतना भी समझ नहीं है कि ऐसी गंदी वीडियो से बच्चों पर और इंडिया की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज ऐसी गंदी वीडियोस बैन करवाइए। नहीं, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हाँ बहन सही बोला तूने, तेरी जैसी कुछ लड़कियाँ जो अपनी बॉडी दिखा के बॉडी की नुमाइश करके फैन फॉलोइंग बढ़ाती है और पैसे कमाती है, और वैसे भी तो जैसी लड़कियों को अपनी इज्जत की कोई परवाह तो होती नहीं है। नहीं। अरे ये तुम्हारे होठों की खिलती हुई हंसी कोई नहीं देख रहा, वो तो कहीं और ही देख रहे हैं लोग। वो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। तो वही बात है ना कि लड़कों की निगाहें और निशाना कहीं और रहता है तुम्हारी गंदी वीडियोस देखकर, और वैसे भी तुमको तो कोई शर्म हया है नहीं। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म हया है? नहीं। अरे दीदी जानवर की तरह हरकत कर रही है, जानवर हो क्या? अरे नहीं 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 सॉरी, मैं तो गलत बोल दिया, जानवर इनसे बहुत अच्छे होते हैं, इनकी तरह घटिया और वाहियात नहीं होते हैं। इनको समझ नहीं आता है कि गंदी वीडियोस नहीं बनाए, लेकिन नहीं ये क्यों नहीं बनाएंगे, इनको तो बनाना ही है, नहीं तो फिर पैसे कैसे कमाएगी, फैन फॉलोइंग कैसे बनाएगी, ऐसी गंदी वीडियोस बनाएगी तभी ना। सही पकड़े हैं। कपड़े देख रहे थे कि बीच से फट गया, इनके पास कपड़े नहीं, कोई कपड़े दो इनको लाके। अरे इनके पास कपड़ों की करीब भी है। परफेक्ट बॉडी होने से कुछ नहीं होता, इज्जत भी परफेक्ट होना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे पास तो वो है नहीं, और मैं उसको दूर दूर तक भी ढूंढने जाऊँ तो भी नहीं मिलेगा, अगर 1000 लाइट भी लेके ढूंढना तो भी नहीं मिलेगा, और अंधेरे में तो छोड़ ही दीजिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हो आप दोस्तों, हम सबको आगे बढ़ना होगा, ऐसी गंदी वीडियोस बनाने वाले पर एक्शन लेना होगा, और ऐसी गंदी वीडियोस बैन करवाना ही होगा, और ये सिर्फ पब्लिक ही कर सकती है, आप लोग कर सकते हैं और कोई नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हाँ सही बोला तुमने, तुम्हारे सपने
बहुत ही लड़के को आते होंगे लेकिन प्यार से नहीं, कुछ और ही वैसे समझने। मतलब समझ गए, तुम समझ गए, समझने वाले समझ गए। अरे हाँ दीदी, नशा तो है आप में, बहुत ही नशा है, लेकिन वो आँखों में नहीं, कहीं और है। अरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है बॉडी में, ड्रेस में, तुम लोग भी ना यार बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। और ये गाइस मेरे मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए कि ये गंदी वीडियोस बैन करवाइए, या फिर कुछ करवा सकते हैं, वरना ये वीडियोस बैन नहीं होने वाली है। और वैसे भी मैं जो बोल रही हूँ वो फैक्ट बोल रही हूँ, अगर आप लोग को सही लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टेक केयर, बाय बाय।